अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इजी सा एक टूल बताने जा रही हूँ। अक्सर वो लोग जब वर्ड्स पे असाइनमेंट बनाते हैं या पीपीटी पे बनाते हैं तो टीचर्स डिमांड करते हैं कि आपका जो है वो प्लेजरिज्म जो है वो 0% होना चाहिए। प्लेजरिज्म क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप गूगल से या किसी भी आर्टिकल्स डाटा ले रहे होते हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। जब टीचर उसको वेरीफाई करता है तो आपके पास मतलब आपने वो पूरी कॉपी पेस्ट असाइनमेंट की होती है, तो उस वो कहते हैं, तो टीचर की ये डिमांड होती है कि आपने क्या करना है कि उसके अंदर से पूरी की पूरी उसी तरह कॉपी पेस्ट होनी चाहिए, आपने खुद से उसकी रीफ्रेजिंग करनी है। अब रीफ्रेजिंग करने के लिए मतलब एक बहुत जिसकी बहुत इंग्लिश हाई हो वो उस बच्चे की नहीं हाई, लेकिन उसे फिर भी अपने असाइनमेंट में मार्क्स गेन करनी है, ठीक है। अपना उसने सी जी पी इम्प्रूव करने के लिए अपनी जो असाइनमेंट का मतलब जो एक इंटरनल मार्किंग है उसको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए वो कुछ अब कुछ टूल्स आ गए हुए हैं। अब तो बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हुई हैं हर चीज़ के लिए, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊँ। जो फर्स्ट टूल, ठीक है, जो मैं खुद भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं ग्रामरली, ये आपने यूट्यूब के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा ऐड देखी होंगी। आपने सिंपल क्या करना है, ऐड क्रोम पर जाना है और इसकी एक्सटेंशन को अपने अपने साथ ऐड कर लेना है। जब भी आप कुछ भी टाइप कर रहे होगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, जब भी आप कुछ मतलब ये देखेंगे, जैसे ये मैं एक जी मेल टाइप करूँगी, मेरी ये मिस्टेक्स हैं, वह खुद ब खुद ही का कहेगा कि टाइम लाइन ही होगा, टाइम लाइन मतलब इसके अंदर स्पेस नहीं होगी, ये इस विदाउट स्पेस ही होगा, ठीक है। कुछ भी इश्यूज़ वगैरह, जैसे अगला है कि यहाँ पे इफेक्ट होगा या ए वाला इफेक्ट होगा, असर करना या असर क्या होगा इसका, ठीक हो गया। तो ये बहुत आसान है, इफ़ यू हैव क्वेश्चन, तो ये एक लाइन है तो उसको प्रॉपर रीफ्रेजिंग करके वो इस तरह करेगा। तो grammarly.com एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन, आप इसको अपने क्रोम पे ऐड करें और क्या उसका नाम है, अपनी ये इम्प्रूव करने, अपनी जो ये जो है प्लेजरिज्म वाला है जिसको रिमूव करना, वो कैसे होगा। तो हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म फ्रॉम असाइनमेंट, बेस्ट इजी चेकर मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ दिखाई देगी, www.grammarly.com। तो फ्री राइटिंग असिस्टेंट है, आपको उसका प्लेजरिज्म डिटेक्शन है, ऑटोमेटेड ग्रामर चेकर है, गूगल ग्रामरली फॉर गूगल डॉक्स, मतलब ये सिंपली यूज़ हो सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका, जो एक आप जब US के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ, आप फाइवर पे काम कर रहे हो, आपने उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन भेज दें, या आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, या आप कॉन्टेंट राइटिंग कर रहे हो, तो फर्ज करें आपने भी कोई हेल्प ले किसी आर्टिकल से, लेकिन आपने क्या करना है कि उसकी उसको इसकी प्लेजरिज्म को रिमूव करना है, तो आपको स्टैंडर्ड क्रिएटिव और अल्ट्रा क्रिएटिव मतलब ये सारे फीचर्स चाहिए होती हैं। मतलब सिनोनिम्स कुछ लो लेवल के सिनोनिम्स होंगे, कुछ एंटोनिम्स हाई लेवल्स के होंगे, तो आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हो, तो मैं उसके लिए आपको ही बस ये टूल बताने जा रही हूँ। वो टूल क्या है, quillboard.com। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है quillboard.com, quillboard. जब आप लिखेंगे, देखें यहाँ पे फ्लुएंसी का भी आ रहा है, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस, फॉर्मल, शॉर्ट एंड एक्सपेंड, और सिनोनिम्स यहाँ से लेकर लेस चेंजेस से, मतलब आपको जो यहाँ पे वर्ड्स है ना, जैसे कि ये री राइट योर टेक्स्ट, इज गोइंग टू री राइटिंग योर टेक्स्ट, तो यहाँ से आप अपने सिनोनिम्स के लेवल को यहाँ तक क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये बस इतना तक आपको फ्री होगा। आगे जाने के लिए आपको क्या है, आपने अनलॉक करना विद प्रीमियम, कि आपको क्विलबोर्ड प्रीमियम को इंस्टॉल करना पड़ना है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये आपको इसके लिए कॉइन्स पे करने पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही करूँगी क्योंकि ताकि मेरी ईजीली हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। फाइल एक्सप्लोरर में हम लोग गए, मैंने यहाँ से एक डॉक्यूमेंट उठाया, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स में से कुछ वर्ड्स होंगे, वहाँ पे पेस्ट करके आपको रिफ्रेजिंग उसकी करके कर, बहुत आसान है, 2 मिनट का काम। आप विद इन सेकेंड्स आप अपने 5-10 मिनट्स के अंदर अपने आर्टिकल्स से डेटा उठाएंगे। डेटा उठाने के बाद उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ आर्टिकल्स भी बताऊंगी, बहुत अच्छे आर्टिकल्स बताऊंगी, बहुत अच्छी वेबसाइट्स बताऊंगी जहाँ से आप अपने क्या कर सकती हैं कि वो ले सकते हैं आप अपनी, जैसे कि मैं बताती हूँ, ये एक वर्ड की फाइल है हमारे पास, ठीक है, ये एक वर्ड की फाइल है। अब मैंने इसको क्या करना, पूरी को रिफ्रेस करना, मतलब ये बुक से उसने एक लाइन बुक से पूरा ही पैराग्राफ उठाया हुआ है, और मैंने इसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। अपनी वर्डिंग के अंदर लिखने के लिए मैं इसको यहाँ से करूँगी कॉपी, ठीक है, और मैं जाऊँगी क्विल बोर्ड के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं करूँगी पेस्ट, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ से मैं इसको करूँगी रीफ्रेज। यहाँ पे मैक्स मिनिमम करेक्टर्स आपने 400 तक करेक्टर्स रखने हैं, ज़्यादा लंबी लाइन नीचे, ताकि आपकी वो लाइन जो है वो दिखे। यहाँ था फर्दर मोर, मतलब जो भी था एक प्रॉपर था, और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो ये पूरी आपकी वो लाइन है वो जो डीप्रेस होगी, और इसके सिनोनिम्स भी बहुत मतलब अल्ट्रा लेवल सिनोनिम्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लुएंसी वाला मैंने किया हुआ है अपना ओन, यहाँ पे मैं क्रिएटिव वाला जब करती हूँ
तो ये साइन अप करना पड़ेगा इसके लिए, इसको अनलॉक करने के लिए। स्टैंडर्ड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन मैं फ्लुएंसी, मुझे ऐसे ही मिल रहा है तो मैं फ्लुएंसी वाला कर लेती हूँ, ये मेरा चेंज हो गया। यहाँ से अब जो मेरी वर्ड की फाइल है जो मैंने टीचर को भेजनी है, किसी भी मतलब अपने बॉस को या अपने जो भी मैं जिसके अंडर काम कर रही हूँ, मैंने अपनी कोई गिग बनाई हुई है, मैंने अपना फाइवर का वो जो टास्क है वो डन करना है, तो मैं एक वर्ड की फाइल निकालूंगी, यहाँ से मैं करूँगी कॉपी और यहाँ से करूँगी पेस्ट, ठीक है। और फिर मैं दोबारा वो कर लूँगी, अब दोबारा नेक्स्ट पैराग्राफ जब मैंने करना, नेक्स्ट पैराग्राफ को दोबारा से करने के लिए बस आपको सिंपली यहाँ से वो रिमूव करना है। सिंपल, आप जाओगे दोबारा से वर्ड फाइल के ऊपर, वर्ड फाइल के ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ से आपने दोबारा से एक लाइन पूरी जहाँ पर डॉट आया हो, जैसे DST वर्ड, यहाँ से जाऊँगी मैं उसको करूँगी कॉपी पेस्ट। दोबारा से मैं जाऊँगी वर्ड फाइल के ऊपर, क्रोम पे, क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ से मतलब ये लाइन ज़्यादा हो रही है तो आपने इस इट वॉज टेस्टर को रिमूव कर दें और इसको फ्रेज के ऊपर, पैराफ्रेज के ऊपर करें, तो ये दोबारा से आपको क्या मिल जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी एक, ये देखें, प्रीवियसली द लॉ ऑफ इक्विटी प्रिवेल्ड ओवर दिस कॉमन लॉ नॉर्म होल्डिंग एंड एग्जीक्यूट लाइबल फॉर द डेट। तो एक बहुत आसान सी एक आपको मिल गई प्लेटफॉर्म, एक तो ग्रामेटिक, ग्रामर चेक भी हो सकता है, ऐसे ही बीटा वर्जन है यहाँ पे, तो फर्स्ट वर्जन नहीं है अभी, यहाँ पे एक्सटेंशन भी आप जैसे यूज़ कर सकती हैं। अगर मैं इसके साथ भी मैं ग्रामरली को अटैच करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ उसके साथ भी अटैच। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलोअप करें और मजीद शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।